राजधानी रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के न्यूज स्टूडियो और एक अन्य कमरे में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तब जाकर सुबह लगभग 5 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी का कारण अज्ञात है। वहीं हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने काफी मदद की है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से घटनास्थल पर कोई भी नहीं पहुंचा था, जिसके लिए हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन ने पुलिस टीम के साथ सिटी ASP तारकेश्वर पटेल का आभार जताया है। राजधानी रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के न्यूज स्टूडियो तथा एक अन्य रूम में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इस आगजनी में 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन गुलचरण सिंह होरा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने काफी मदद की है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से घटना स्थल में कोई भी नहीं पहुंचा था। वहीं उन्होंने ASP और उनकी टीम का आभार दिल से जताया, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। गौरतलब है कि पंडरी पुराना बस स्टैंड स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में संचालित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क में बीती रात आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर घंटों मशक्कत करके काबू पाया। पूरे दफ्तर में धुआं भरने से दमकल कर्मियों को अंदर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑफिस के पीछे की दीवार तोड़कर दमकल कर्मी अंदर घुसे। इसके बाद घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। रात भर हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा और सिटी ASP तारकेश्वर पटेल घटना स्थल पहुँचे रहे। गुरचरण सिंह होरा ने यही बताया कि इस आगजनी में 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटना में जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने की बात उन्होंने कही और न ही उनका कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। उन्होंने सिटी ASP तारकेश्वर पटेल और थाना प्रभारी का आभार जताया है। देखिए, हैथवे CCM का दफ्तर जो प्रथम मंजिल पर स्थित है, कल शाम को 9 बजे सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट करके आग लग गई है। तत्काल मैंने SP महोदय को और उनको सूचना दी, दमकल की गाड़ियां पहुंची, पूरी टीम पहुंची। पहले तो ये खबर दी गई कि 2-3 घंटे बाद की आग बुझ गई है करके, जो कि गलत खबर थी, क्योंकि आग बहुत भीषण लगी हुई थी। मैं मौके पे पहुंचा तो पीछे की तरफ फिर मैंने जाके देखा कि आग बहुत धधक रही, अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 10,000 सेटअप बॉक्स और हमारा पोर्टल का पूरा सामान, न्यूज़ का पूरा सामान, न्यूज़ रूम, हमारा स्टूडियो और हमारा हेडन सब कुछ जलकर राख हो गया। करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी अभी हमने फॉक्सटेल का नया ये बनाया था, वो भी पूरा जल के राख हो गया। और सुबह 6:30 बजे तक मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा एडिशनल SP तारकेश्वर पटेल को और सारे थानों की टीम, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके इस आगजनी पे काबू पाया। नहीं तो बहुत बड़ी घटना जो है वो इस शहर में घट जाती, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स और मैट्स यूनिवर्सिटी और होटल गणपति, ये पूरा चपेट पे था। और तारकेश्वर पटेल और TI लोगों के, जितने भी थानों के TI हैं, सतत निगरानी करके इस भीषण आगजनी को बचाया है। लेकिन हैथवे ग्रैंड का जहाँ तक ख्याल है, फॉक्सटेल का काफ़ी क्षति हुई है। आकलन मूल्यांकन किया जाएगा, 4 से 5 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन भी दिख रहा है, लेकिन और भी उसको देखा जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और बाकी तो हमारे पुलिस के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है रात भर, और सुबह 6:30 बजे तक मेरे साथ रह के काम किया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल बीती रात हुई आगजनी में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि आगजनी में जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड ACN न्यूज।